गुड आफ्टरनून एवरीवन, हाय आई एम नितिन सिंह। वेल गाइस, इन दिस वीडियो आप लोग को पूरा डिटेल एनालिसिस दूंगा कि आरबीआई के जो ग्रेड बी के एग्जाम हुए उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, क्या लेवल था, मेरे कितने अटेम्प्ट हुए, प्लस क्या एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम ईसीजीसी एग्जाम जो कि हमारी अगले हफ्ते में है। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करना, टेलीग्राम ग्रुप नितिन का निरीक्षण इसको ज्वाइन जरूर करना क्योंकि आई गेस जीके के क्वेश्चंस की मैं फोटो या लिख के मैं भेज दूंगा ताकि आप लोग को जैसे ईसीजीसी के एग्जाम है तो उस पर हेल्प जरूर मिल जाएगी। तो बिना कुछ देरी स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर सबसे पहले मैं आपको अपने अटेम्प्ट बताता हूँ। मेरे अटेम्प्ट हुए 116 जिसमें मैंने जीके में करे हैं 50 क्वेश्चन। 50 में से मेरे भाई 44 पे तो मैं श्योर था, 6 क्वेश्चन पे मैंने गेस वर्क किया है, अब पता नहीं कितना सही होता है या नहीं होता है। उसके बाद मैंने 30 क्वेश्चन किए हैं रीजनिंग के अंदर अटेम्प्ट, और मैंने अपने मैथ्स में और इंग्लिश में 18-18 क्वेश्चन ही किए। आई डोंट नो यार अटेम्प्ट सही कितने हैं, कितने अच्छे हैं, बट ठीक अटेम्प्ट किए मेरे को ऐसा लग रहा है क्योंकि मैं बाहर जब निकला था पूछा मैंने लोगों से तो लोगों के अटेम्प्ट भी इतने कुछ ज्यादा बढ़िया नहीं थे। बाकी आप लोग के कितने अटेम्प्ट है जरूर मेंशन करना। सबसे पहले बात करता हूं मैं जीए सेक्शन की। गाइस मैंने पहले भी कहा था अपने वीडियो के अंदर कि जीए कहीं ना कहीं जैसे कि मैं इतने टाइम से पढ़ रहा हूँ ऑलरेडी, क्योंकि काफी मेंस थे मेरे 28 को मेरा आईबीपीएस क्लर्क मेंस था, तो अभी तक मैं काफी जीए पे फोकस था और यही रीजन है कि जीए आज के इसमें भी काफी बढ़िया लेवल पे अटेम्प्ट किया। एंड टू बी ऑनेस्ट अफेज क्लाउड सही में मतलब मुझे काफी हेल्प किया भी, मतलब लाइक मैं पहले भी बोल रहा था, बहुत लोगों से पूछते भी है कि आप कहाँ से जीए करते हो, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि फॉर पीडीएफ बेसिस आई ऑलवेज यूज अफेज क्लाउड एंड फॉर वीडियो या तो मैं कपिल कार्ड पर सरकर देख लेता हूँ या मेरे को स्टडी आई क्योंकि फ्री वाले जो वीडियो होते हैं वो अगर मिल जाते हैं तो मैं वो देखता हूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट जैसा आरबीआई का पेपर था तो आरबीआई के अंदर पेपर ने ऑलमोस्ट बजट से क्वेश्चन, मतलब 4 से 5 क्वेश्चन बजट के थे। इकोनॉमिक सर्वे पे उन्हें 2 से 3 क्वेश्चन डाले, मॉनेटरी पॉलिसी पे 1 क्वेश्चन आया था। उसके बाद स्कीम्स जो कि हमेशा से हम देखते हैं कि आरबीआई के अंदर काफी पूछी जाती है, स्कीम्स में लटका भी, मतलब ऑब्वियसली मैं कंफ्यूज हुआ स्कीम्स में आके। 5 से 6 क्वेश्चन स्कीम्स पे थे और मैं कंफ्यूज हुआ वहां पे। उसके बाद स्टैटिक पे क्वेश्चन थे, आई गेस 6-7 क्वेश्चन स्टैटिक पे आए थे। उसके बाद अपना मॉनेटरी पॉलिसी पे क्वेश्चन था, स्पोर्ट्स पे 3 से 4 क्वेश्चन थे, एक बांग्लादेश वेस्ट इंडीज वाले क्वेश्चन पे मेरे को डाउट हुआ है कहीं ना कहीं। उसके बाद और याद नहीं रहता है, बाकी आप लोग देख लेना। बाकी मुझे इतना याद क्योंकि भाई आप भी जानते हो 80 क्वेश्चन को याद रख पाना उतना बढ़िया नहीं होती है। और पेपर यार मतलब बोलूँ ना जीए तो जीए उनने डिटेल पूछी है टू बी वेरी ऑनेस्ट, और मतलब ये चीज मैं कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर भी रहा था कि आरबीआई है तो कहीं ना कहीं डिटेलिंग आएगी। एंड बढ़िया लेवल पे उन्होंने जीए पूछा है तो मैं बोलूँगा कोई भैया 40+ भी करके आना भाई, बढ़िया। मगर 40+ ऐसे नहीं कि तुक्के मार के आ रहे हो, अच्छा अच्छे से अगर 40 अटेम्प्ट करके आए हो ना एक बढ़िया अटेम्प्ट है। अब यदि मैं बात करूं उसके बाद कहीं ना कहीं जैसे कि अब इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश यार मेरे हमेशा से मैं बोला है कि इंग्लिश में मेरे क्वेश्चन थोड़े हमेशा से कम रहते हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पे आज जो टेस्ट पेपर जो था आरबीआई का एक लेवल था यार। इंग्लिश में मेरे अटेम्प्ट हुए सिर्फ और सिर्फ 18 क्वेश्चन जिसमें मैंने वर्ड स्वैपिंग के क्वेश्चन को किया है, मैच द कॉलम के क्वेश्चन को किया हूँ। क्लोज टेस्ट काफी मुझे डिसेंट लगा, साइबर सिक्योरिटी का बेस था वो थोड़ा बन गया मेरा। उसके बाद मैंने एक आरसी सॉल्व किया था, टोटल 3 आरसी थे, हर एक आरसी 5-5 मार्क का था, एक क्लोज था 5 मार्क के लिए, 5 से 6 क्वेश्चन क्लोज पे थे और 3 से 4 क्वेश्चन आपके वर्ड स्वैपिंग के थे। एक सेंटेंस दिया 4 बोल्ड वर्ड है उसको करना था, उसके बाद 3-4 क्वेश्चन थे और एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन थे बट वो थोड़ा सा नया टाइप का लगा था तो वो 3 से 4 क्वेश्चन उस पे थे और मैच द कॉलम के ऊपर आपके 3 क्वेश्चन थे। तो मेरे गाइस 18 क्वेश्चन ही हुए, ज्यादा मेरे अटेम्प्ट हुए नहीं है, बट यार ठीक है थोड़ा डिसेंट अगर मार्क्स मिल जाते हैं तो अच्छा एक अटेम्प्ट है। बाकी मुझसे बहुत लोग पूछ भी रहते हैं कि भैया आने वाले टाइम में कौन सी एग्जाम पे फोकस करना चाहिए, तो आई विल सजेस्ट कि अभी बहुत एग्जाम निकलेगी, ज्यादा लोड लो मत, टेंशन लो मत दिमाग में, सो बस पढ़ाई करो और पढ़ाई अच्छे से करो क्योंकि एसबीआई क्लर्क भी आएगा, एलआईसी का, डबल AO का, जनरल का वैकेंसी भी निकलने वाली है आने टाइम में। उसके बाद नाबार्ड की है तो नाबार्ड ग्रेड A ग्रेड B के एग्जाम भी है, तो आप लोग बस जो भी आपको मॉक टेस्ट मिले ना फ्री वाली देते रहो, चाहे वो आपको प्रैक्टिस मॉक की देनी है, अड्डा की देनी है, टेक्स्ट बुक की देनी है, ऑलिव की देनी है, जिसकी देनी है उसकी दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस सिर्फ देते रहो। प्लस बहुत सारे लोगों के कोर्सेज निकलने वाले हैं नाबार्ड को लेकर क्योंकि नाबार्ड काफी बढ़िया एग्जाम है और आने वाले टाइम में आएगी, तो आप लोग चाहो तो प्रैक्टिस मॉक का कोर्स देख लो, अड्डा का देख लो, इवन ओलिवबोर्ड का भी काफी बढ़िया वाला उनका कोर्सेज है, तो उसकी मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन कॉलम में ताकि आप वहां से आके देख लो। बाकी फ्री मॉक टेस्ट तो दे ही देना, कोई इसमें इशू नहीं है। बाकी यदि मैं बात करूं कहीं ना कहीं अब मैं मैथ सेक्शन की, तो मैथ सेक्शन टू बी वेरी ऑनेस्ट मैथ सही में सामने अलग ही लेवल पे रखा था। मतलब 18 क्वेश्चन में ना, मतलब मेरे को लगा था भाई 30 में से मैथ्स स्ट्रांग है, 20-22 तो कहीं देंगे, बट नहीं यार वैसा लेवल था ही नहीं मैथ्स का। और जो मतलब कुछ लोग करके भी आए होंगे बट कुछ लोग यार मेरा तो नहीं हो पाया, तो मेरा काफी कम अटेम्प्ट हुए मैथ्स में, सिर्फ और सिर्फ 18 क्वेश्चन हुए। मैथ्स में काफी कुछ नया देखने मिला, जैसे कि हम देखते हैं अक्सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कि एक बढ़िया लेवल पे बनता है, ईजी बनता है, यहाँ पे ईजी नहीं था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज का ईजी नहीं था, मतलब एक अलग ही लेवल पे क्वाड्रेटिक था। 3 तो मुझे नए टाइप के क्वेश्चन देखने में मिले जिसमें मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे थी, जैसे कि हमारा अपना आईबीपीएस क्लर्क में इसमें था ना, वैसा टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखने मिला आज के इसमें। मिसिंग दिया है 5 क्वेश्चन थे, काफी कैलकुलेटिव था, ऑब्वियसली बात है वेज नॉन वेज ए और बी का रेशियो निकालना था, कहीं ना कहीं बहुत कैलकुलेशन बन चुका था। उसके बाद आपका एक केस स्टडी दिया है बना था बुक रीडिंग के ऊपर, मैंने वो क्वेश्चन को स्किप कर दिया, भाई मेरे से नहीं होता, छोड़ दिया। उसके बाद अपना क्वांटिटी कंपेरिजन के भी आई थिंक क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन थे, मैंने वो तीनों अटेम्प्ट किया, काफी डुएबल थे, बन गया। अरिथमेटिक 12 क्वेश्चन, 10 से 11 मेरे को देखे, मैंने इसमें से 5 से 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ऐसे मेरे 18 क्वेश्चन बने। मैथ्स का लेवल बोलू ना यार, जो भाई साहब 15 क्वेश्चन भी करके आ रहा ना, एक बढ़िया लेवल पर अटेम्प्ट करके आया। मैथ्स सही में काफी टफ था टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसके बाद अगर बोलू तो रीजनिंग सेक्शन, रीजनिंग में मैं आपको वही बताऊंगा जो मैंने अटेम्प्ट किया, मैं आपको क्योंकि पूरा पेपर में देख नहीं पाया था, मेरे को रीजनिंग थोड़ा लगा यार अच्छे लेवल पर रीजनिंग बना के था। तो रीजनिंग में भाई पहले क्वेश्चन थे अपने जो पैरेलल बेस था कि 6 लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं, 6 लोग साउथ फेस कर रहे हैं, उसके ऊपर आपके थे, मैं लिख के भी एक्चुअली लेके आया क्योंकि मेरे को याद नहीं था उतना। 6 क्वेश्चन आपके पैरेलल बेस पे नॉर्थ और 6 साउथ को देख रहे वाले क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन उसके ऊपर बेस्ड थे, 5 क्वेश्चन आपका एक डिस्टेंस बेस्ड सर्कुलर आर्ग्यूमेंट था जिसमें 280 किलोमीटर से कम उनका होना चाहिए डिस्टेंस, वो क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था बट वो डुएबल क्वेश्चन था यार। उसके बाद आपका रिवर्स सिलॉग पूछा जो कि हम अभी तक कोई लोग एक्सपेक्ट नहीं किए, और उसमें भी उनने ऐसा किया कि उनने ऑप्शन डाल दिया कि मतलब आपको पूरा ही देखना पड़ रहा था कि ओनली ए है, ओनली ए बी सी, ओनली बी सी, ऐसे। तो आपको बेसिकली इतना टाइम कंज्यूमिंग उनने कर दिया था कि इंसान यदि हर एक चीज पे अगर गया ना तो इंसान टाइम वेस्ट करके आएगा। तो मैंने उसको में से मैंने 3 क्वेश्चन थे, मैं 3 क्वेश्चन तीनों अटेम्प्ट किए। स्टेटमेंट अजम्पशन वाले पे मैंने गेस वर्क किया, कोर्स ऑफ एक्शन तो तब भी ठीक था बट स्टेटमेंट अजम्पशन के क्वेश्चन नहीं थे, मतलब 4 थे, मैं 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया, उसमें कोई एक पर डाउट है, एक पर मैं सही हूं। उसके बाद आपका फ्लोर बेस्ड के क्वेश्चन थे जिसमें कि मतलब आई गेस मेरा आंसर 27 के आसपास बन रहा था, तो वो क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया। उसके बाद आपका लीनियर बेस पे एक और था जिसमें अनसर्टेन थे लोग, वो 3 क्वेश्चन थे। और उसके बाद एक बॉक्स बेस्ड पजल थी, 6 बॉक्स थे, उसको अरेंज करना स्टैक के अंदर। तो मेरे ऐसे टोटल मेरे 30 क्वेश्चन बने, और मशीन इनपुट सबसे ईजी था, मतलब अगर बोलूँ रीजनिंग में इजी क्या पूछा तो मुझे मशीन इनपुट लगा, वाकई आए मैंने तो देख भी नहीं पाया पेपर और टाइम भी खत्म हो गया था। तो मेरे अटेम्प्ट भी इतने हुए नहीं रीजनिंग में, आई नो दैट रीजनिंग में अटेम्प्ट काफी कम थे बट देखते क्या होता है। बाकी अगर मैं बोलूँ पेपर वॉज सही में मतलब बढ़िया लेवल को न सेट किया था, मतलब बाकी तो यार मैं कुछ बोल नहीं सकता, बट पेपर एक सही में बहुत अच्छे लेवल पर सेटअप किया था। यदि कोई बंदा 90+ भी करके आ रहा बहुत बढ़िया अटेम्प्ट के साथ, वो अच्छे खासे लेवल पे, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत इजी था पेपर, इससे तो इजी था, इस बार का सही में अच्छे लेवल पेपर सेट किया। बाकी यदि वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना, और आने वाले टाइम में ऐसी और भी वीडियोस होगी तो जरूर देखना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन सी यू, जय श्री राम।